नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं श्रीनाथजी एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लक्ष्मी माँ को खुश करने के लिए कौन कौन सी 5 वस्तुएं हमें काफी ज्यादा फायदा दे सकती हैं, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन सी 5 चीजें हैं जिनका अगर हम प्रयोग करते हैं, जिनका अगर हम यूज करते हैं तो लक्ष्मी माँ उससे प्रसन्न हो जाएंगी और हमारी जिंदगी में धन की जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो धन की आवक है वो हमारी हमेशा चलती रहेगी, हमें धन की प्राप्ति भी होगी, साथ ही साथ में जो हमारे फिजूल के खर्चे हो रहे हैं वो भी हमारे उससे कम हो जाएंगे। तो इसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि जो इसमें 5 चीजें बताई जाएंगी, अगर कोई इनमें से आप यूज नहीं करते हैं तो आप अपने घर पर लाकर उसे यूज करना आप शुरू कर सकते हैं, जिससे लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और मिल सके। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज की अगर हम बात करें तो देखिए, जो सबसे पहली चीज होती है जिससे लक्ष्मी माँ काफी ज्यादा प्रसन्न होती है वो होता है शंख। अब देखिए, जो शंख होता है, शंख का जो जन्म होता है वो समुद्र के अंदर माना जाता है, यानी कि जो शंख होता है वो समुद्र के अंदर उसका जन्म होता है और शंख को कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता का भाई बताया गया है हमारे हिंदू पुराणों में, कि जो शंख होता है वो लक्ष्मी माता का भाई होता है। ये जो शंख होता है, अगर हम शंख को जो भी हमारे मांगलिक कार्य होते हैं, जो भी हमारे धार्मिक कार्य होते हैं, उन कार्यों के समय में अगर हम शंख का उपयोग करते हैं, शंख को बजाते हैं, तो इससे लक्ष्मी माँ काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और इससे हमें धन की प्राप्ति काफी अच्छे तरीके के साथ में होती है। अभी आप देखिए, पूर्णिमा के दिन में अगर आप पूजा कर रहे हैं, या आप हर शुक्रवार के दिन में अगर आप लक्ष्मी माता की उपासना कर रहे हैं, लक्ष्मी माता की उपासना करने के बाद में अगर आप शंख बजाते हैं तो इससे लक्ष्मी माता जरूर आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। अब देखिए, शंख के बारे में अगर आप मार्केट जा रहे हैं और मार्केट में जाकर आप शंख को ले रहे हैं तो कौन सा शंख आपके लिए अच्छा रहेगा? तो देखिए, जो शंख बाईं ओर खुलता है, वामावती शंख भी कहते हैं, यानी कि जो वामावती शंख होता है, जो बाईं ओर खुलता है, वो शंख अगर आप लेकर आएंगे और उस शंख को नियमित तौर पर बजाएंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी जैसे नवरात्रि आगे आने वाली है, पूर्णिमा का दिन होता है, दीपावली का दिन होता है, या और कोई भी जो शुभ दिन होता है, उस दिन आप शंख को घर पे ला सकते हैं और इसे आप पूजा के लिए यूज कर सकते हैं। हर शुक्रवार के दिन में आप लक्ष्मी माँ की आरती करिए और लक्ष्मी माँ की आरती कर आप जो शंख है उसे बजाइए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो लक्ष्मी माता को देखिए गुलाब के फूल बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। गुलाब के फूल, गुलाब की पंखुड़ियां, गुलाब की जो सुगंध होती है वो लक्ष्मी माता को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। आप अपने जो पूजा घर है उसमें एक ऐसा चित्र लगा सकते हैं जिसमें लक्ष्मी माता गुलाब के फूल के ऊपर बैठी हुई है और उस चित्र की आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ में जब आप लक्ष्मी माता की उपासना करें तो आप उन्हें गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं, गुलाब के फूल उन्हें अर्पित कर सकते हैं, इससे भी लक्ष्मी माता काफी ज्यादा प्रसन्न होती है और इससे आपकी जो धन की प्राप्ति है वो आपको होती है और आपका जो धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं इससे वो भी आपकी खत्म हो जाती हैं। लक्ष्मी माता को जो गुलाब का इत्र होता है वो भी अगर हम अर्पित करते हैं तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा उपाय रहता है, धन की जो परेशानियां हैं इससे वो भी खत्म हो जाती हैं। आइए बात करते हैं आगे। देखिए, जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं, जो लोग कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कर्जा जो है बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ रहता है, तो ऐसे लोग अगर गुलाब के फूल लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं या ऐसे लोग गुलाब कई तरह लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, गुलाब की कोई भी सुगंध लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो कर्ज की समस्या है उसमें उन्हें कमी देखने को अवश्य ही मिलती है। हर शुक्रवार को आप जरूर लक्ष्मी माता की उपासना करिए, गुलाब का फूल चढ़ाइए, गुलाब की सुगंध चढ़ाइए, बहुत ही अच्छा उपाय है धन प्राप्ति का और कर्ज मुक्ति के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए तीसरे उपाय की बात करते हैं तो तीसरा उपाय होता है स्फटिक की माला। जो स्फटिक की माला होती है वो एक्चुअली शुक्र ग्रह से संबंधित होती है और जो स्फटिक की माला होती है ये धन का प्रतीक होता है, वैभव का प्रतीक होता है और प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होता है, यानी हमारी लाइफ में जो लग्जरीज हैं वो इससे बढ़ती हैं, हमारी लाइफ में प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, मनी बढ़ता है, पैसा बढ़ता है इससे। और तो जैसे आप स्फटिक की माला आप लेकर आते हैं तो उस माला का यूज करते हुए लक्ष्मी माता के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं, आप लक्ष्मी सहस्रनाम का जाप करते हैं, लक्ष्मी माता की आरती करते हैं तो बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। आप दिन के समय में स्फटिक की माला को गले में धारण भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि स्फटिक की माला अगर आप शरीर पर धारण कर रहे हैं तो वो माला पहनकर आप सो मत जाइएगा, आप सोने से पहले वो माला उतार दीजिएगा और अगले दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद में वो माला फिर से आप पहन लीजिएगा।
तो ये स्फटिक की माला का यूज करना भी बहुत अच्छा उपाय रहता है। इससे देखिए जो डेली की हमारी इनकम है, डेली इनकम काफी ज्यादा अच्छी रहती है, यानी धन का जो प्रभाव है रोज हमारी जिंदगी के अंदर वो आता रहता है, प्रभाव बढ़ता है इससे, तो स्फटिक की माला हमें जरूर यूज करनी चाहिए। अभी चौथी चीज की बात करें तो देखिए चौथी चीज होती है घी का दीपक। देसी घी का दीपक जो होता है वो भी लक्ष्मी माता को अति प्रिय होता है, तो अगर आप देसी घी का दीपक जलाते हैं जब भी लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा उपाय होता है लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने का, लक्ष्मी माता की जो भी ब्लेसिंग्स है उनको प्राप्त करने का। अब कौन सा दीपक आप जलाना चाहिए, देखिए मिट्टी का जो बर्तन होता है या फिर जो मिट्टी का दिया होता है वो जलाएंगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, और चार मुखी दिया अगर आप जलाएंगे तो ये बहुत अच्छा उपाय है लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने का। आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन तो हमें विशेष रूप से करना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन में आप लक्ष्मी माता के चित्र के सामने बैठ जाइए, लक्ष्मी माता की पूजा करिए और उनके सामने घी का दीपक जलाइए, मिट्टी के जो भी बर्तन है उसके अंदर, और चार मुखी दिया जलाइए। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, इससे धन प्राप्ति भी होती है, कर्ज मुक्ति में भी सहायता मिलती है, और इसी के साथ में जो धन का दुरुपयोग होता है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब देखिए इससे धन की बर्बादी काफी ज्यादा खत्म होती है, तो ये शाम के समय में करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस घर में हर शाम को देसी घी का दीपक लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे जलाया जाता है, लक्ष्मी माता के चित्र के आगे जलाया जाता है, उस घर में कभी भी धन से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। तो धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप आज शाम से ही अपने घर में लक्ष्मी माता के चित्र के सामने चार मुखी घी का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पर देखिए दोस्तों आपको चमत्कारिक रूप से इसके फायदे देखने को अवश्य मिलेंगे। अभी पांचवें उपाय की बात करते हैं, या जो पांचवी वस्तु है वो एक्चुअली में कोई वस्तु नहीं है, वो एक्चुअली में एक बिंदु है, भगवान का स्वरूप है, और वो है कि लक्ष्मी माता की पूजा के साथ में विष्णु भगवान की पूजा करना। अब देखिए अगर आप खाली लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आपको धन तो प्राप्त होगा लेकिन आपको बुद्धिमानी नहीं आएगी। जब बुद्धिमानी नहीं होगी तो गलत कामों में धन खर्च होगा, और आपको पैसा आएगा तो जरूर लेकिन बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसे फिजूल के कामों में लगा देंगे। तो लक्ष्मी माता की पूजा कभी भी अकेले नहीं की जाती, विष्णु भगवान के साथ करी जाती है या फिर गणेश भगवान के साथ की जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें धन के साथ साथ बुद्धिमानी भी प्राप्त होती है, जिससे हम धन का सदुपयोग करते हैं। हमारा जो धन का दुरुपयोग होता है गलत कामों में, जो धन को खर्च करते हैं, जो धन की फिजूल खर्ची करते हैं, वो बंद हो जाता है। तो लक्ष्मी माता की पूजा के साथ में अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो ये भी बहुत ही अचूक उपाय है धन प्राप्ति का। तो देखिए पांच उपाय एक बार हम लोग वापस रिवाइज कर सकते हैं। पहला उपाय है शंख का यूज करना, दूसरा उपाय है गुलाब के फूलों का यूज करना, तीसरा उपाय है स्फटिक की माला का यूज करना, चौथा उपाय है घी के दीपक का यूज करना, और आखिरी उपाय है विष्णु भगवान की पूजा करना। ये पांच उपाय करना आज से ही शुरू कर दीजिए, लक्ष्मी माता की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी, धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी और आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।